हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में आज के इस वीडियो में खास क्या है, देखिए पिवोट टेबल के बारे में बात करेंगे। पिवोट टेबल पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा खास है। तो क्या खास है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक डेटा मैंने प्रिपेयर किया है। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है, ये एम्प्लॉय का नेम है और ये डिपार्टमेंट है और ये सैलरी है। देखिए यहाँ पर ये राम जो है ना, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट के और इनकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10,000 रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये श्याम है, ये सेल्स डिपार्टमेंट के है, तो इनकी सैलरी कुछ और है जो कि यहाँ पे रखी गई है, वो है 12,000, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये फाइनेंस के हैं तो इनकी 13,000 है, ठीक है, देख सकते हैं ये 13,000 है। और फिर इसी तरीके से देखिए फाइनेंस यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पे इसे एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ, लाइक ये देखिए फाइनेंस वाला जो है वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। जो जो फाइनेंस है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, फाइनेंस वाली जगह को मैं हाईलाइट करके दिखाता चलता हूँ आपको और उसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक यहाँ पे फाइनेंस है, ठीक है, और एक यहाँ पे फाइनेंस है। तो ये इतने फाइनेंस को एक कलर में प्रोवाइड कर देता हूँ, सिंगल कलर। तो यहाँ देखिए ये सारे फाइनेंस वाले हैं और फाइनेंस वाले सारे एक कलर में मैंने कर दिए हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट है उस, जैसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फाइनेंस की सैलरी क्या है, पूरा डिपार्टमेंट का सैलरी क्या है, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी क्या है, ये निकालने के लिए हम पिवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप कहीं पर भी क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से इंसर्ट टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पिवोट टेबल पे जाना है और ये देखिए ये दिया गया है फ्रॉम टेबल रेंज, तो टेबल रेंज पे ही जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, एड दिस डाटा मॉडल, इस पर टिक रखना है और टिक रख करके ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल के आएगी, ये पिवोट टेबल वाली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट और सैलरी, तो डिपार्टमेंट को मैं रो में रखूंगा, तो ये रो में ला करके ड्रैग कर दिया हमने और सैलरी को वैल्यूज में ड्रैग कर दिया, तो दोनों चीजों को ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो भी डिपार्टमेंट थे उनके सैलरी आपके सामने है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस की सैलरी कितनी जा रही है, 83,000 रुपये। एचआर में कितनी सैलरी जा रही है, 1,28,000 रुपये। और सेल्स में सबसे कम 24,000 रुपये सैलरी जा रही है। तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को, आसान है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।